जिज्ञासा के माध्यम से खुशी दस टी आर एस क्लिप्स हिंदी हैपीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी दोस्तों सॉरी थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा हाँ, सर सेकंड गुरु थे गुरु अंगद गुरु अंगद उन्हें सिलेक्ट कैसे किया गया वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है okay. तो uh... और मतलब एक लीनियज की जरूरत क्यों थी बिल्कुल बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है गुरु नानक साहब के कुछ आइडियाज थे जो उनसे पहले पीर पैगंबर आए हैं उनके साथ मेल खाते थे उदाहरण के तौर पे भगत कबीर भगत नामदेव गुरु नानक साहब और उनसे पहले जो पीर पैगंबर आए हैं उनमें एक बहुत बड़ा फर्क था पहले पीर पैगंबर विचारों तक सीमित रहे उन्होंने विचार अपने एकदम खुल के प्रकट किए गुरु नानक साहब पहले पीर थे जिन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाई जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था लंगर की इंस्टीट्यूशन बनाई इसी तरह गुरु नानक साहब ने गुरकदी की भी इंस्टीट्यूशन बनाई कोई कबीर टू तो नहीं थे नामदेव टू तो, तो नहीं थे लेकिन नानक टू थे गुरु अंगद और उनकी चोन गुरु नानक साहब ने खुद की सो so, इसके बारे में भी बहुत सारी हिस्ट्री है गुरु नानक साहब के अपने बेटे थे श्री चंद बहुत काबिल थे लेकिन गुरु नानक साहब ने उनको गुरगद्दी के लायक नहीं समझा उनका जो सबसे हम्बल निमाना डिसाइपल था भाई लैना उनको गुरु नानक साहब ने गुरगद्दी बख्शी और ये कहा जाता है कि उनके सामने उन्होंने उनको प्रणाम किया और अपना माथा जमीन पे लगाया जो आज तक कभी नहीं हुआ था क्योंकि गुरु चेले के सामने थोड़ी झुकता है सो so, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट था सिख हिस्ट्री में और सिख फेथ की डेवलपमेंट में जब गुरुशिप एक शख्स से एक इंस्टीट्यूशन में बदल गई तो इसके लिए गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद को दूसरा गुरु करार किया ताकि ये जो गुरु की परंपरा है ये चलती रहे और फेथ को गाइड करने के लिए उनके बाद कोई हो तो ऐसे ही फिर दस गुरु बदले और फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने और परिवर्तन किया okay. गुरु नानक देव जी एक सिद्ध पुरुष थे थे मेरे अकॉर्डिंग पूरी तरह बिल्कुल तो शायद उन्हें पता था थोड़ा बहुत फ्यूचर के बारे में कि ये होने वाला। हो सकता है आप ये मान तो डेफिनेटली हमें पता है कि वो हमारे तुम्हारे जैसे इंसान नहीं थे उनकी बहुत गहरी इंसाइट थी बहुत कुछ में और भविष्य में थी या नहीं इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते पर इनसाइट बहुत थी ओके okay. मैं ये मानता हूं कि ह्यूमन हिस्ट्री में भगवान नोटिस करते कि अब एक संत की जरूरत है और फिर एक स्पेशल आत्मा को भेज देते हैं मेरे अकॉर्डिंग यहाँ एक स्पेशल लीनियज को भेजा गया नहीं। नहीं। शायद एक एनर्जी थी जो अलग अलग इंसानों में ट्रांसफर ये ये, ये बात सिख ट्रेडिशन में बिल्कुल हम बिलीव करते हैं okay. आ, 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 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कवि हुए हैं सत्ता बलवन जिनकी जी. पानी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है उसमें स्पष्टी से लिखा गया है कि चोला बदल गया लेकिन जो ज्योत है वो वही ज्योत चलती रही सो दिस इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ सिख बिलीफ के जो जिस ज्योत ने गुरु नानक साहब को एनिमेट किया उसी ज्योत ने सभी गुरुज को एनिमेट किया सो so, में हम बिल्कुल बिलीव करते हैं okay. क्या मैंने कुछ गलत कहा बिल्कुल ठीक कहा मैं कहाज कर रहा हूं ओके ओके आई डेंट मीन टू से समथिंग नो 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 यू यू एब्सोल्युटली अप्रोप्रियट ओके आप अगले नौ गुरु के बारे में बताना चाहोगे हाँ तो संक्षेप में बात कर ले है एक और सवाल है ऑनेस्टली ये एज एन मैं एक पर्सपेक्टिव हाँ, देना चाहूंगा मुझे गुरु नानक देव जी के बारे में बहुत पता टीवी की वजह से और गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पता फिर से टेलीविजन की वजह से हाँ, कॉमिक बुक्स की वजह से बिल्कुल बिल्कुल बीच के आठ गुरुज के बारे में थोड़ा सा कम आप अकेले नहीं हो ये बात सिख जगत को भी अप्लाई करती है सिख जगत में भी सबसे ज्यादा अवेयरनेस गुरु नानक साहब और गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में है गुरु अर्जन साहब के बारे में थोड़ी सी है और बाकी गुरुओं के बारे में थोड़ी थोड़ी है सो so, मैं आ, संखेप में आपको सभी गुरु साहिबान के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ पहले ये बताइए कि ये क्यों होता है हार्ड टू से हार्ड टू से रीज़न देखिए गुरु नानक साहब का तो ऑबियस है क्योंकि ही वॉज द फाउंडर ऑफ द फेथ और जैसे मैंने आपको कहा है कि सिक्खी का हर एक सिद्धांत गुरु नानक साहब से ही चलता है गुरु गोबिंद सिंह जी की कहानी बहुत यूनिक है क्योंकि उनमें जो यू नो उनकी जो स्पिरिचुअल डेप्थ थी वो गुरु नानक साहब से बिल्कुल अलग नहीं थी और कम भी नहीं थी उनकी जो उच्चारण की हुई बाणी है वो हमको बताती है लेकिन साथ में वो योद्धा भी थे उन्होंने यू नो कई जंग लड़े उन्होंने अपनी सारी फैमिली को कुर्बान किया सो so, उनकी कहानी ही ऐसी है दिलचस्प इज़ द रोंग वर्ड बट वो कहानी ऐसी है कि वो हर एक को अट्रैक्ट करती है और उस वजह से शायद हर एक उनके बारे में जानता है सो so, बाकी गुरु साहब की लाइव भी बहुत इंटरेस्टिंग है और हर एक गुरु साहब के बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी देता हूँ लिए शोर सो so, गुरु अंगद दूसरे गुरु साहब थे उनका नाम पहले भाई लैणा था और बाई चांस ही उन्होंने अपने परिवार में किसी बच्ची को उनके परिवार में मैरिड थी गुरु नानक साहब की बानी उचारते सुनाई जब उन्होंने सुनी तो बहुत उनको एक किस्म की अट्रैक्शन हुई तो वो गुरु नानक साहब को मिलना चाहते थे तो मिलने गए तो उनको लगा कि मुझे मेरी जगह मिल गई है और वहाँ पे रह कर उन्होंने सेवा करनी शुरू करी गुरु नानक साहब ने जब उनका दुनिया से जाने का टाइम आया तो उन्होंने इम्तिहान देने शुरू किए अपने फॉलोअर्स के और बहुत जाहिर हो गया कि भाई लैना जैसा हम्बल अटैच्ड आज्ञाकार और कोई नहीं है तो अपने बेटों की ऑब्जेक्शंस बड़े बेटे की ऑब्जेक्शंस के बावजूद उन्होंने गुरु अंगद को अपना सक्सेसर करार किया सो so, गुरु अंगद की कई कंट्रीब्यूशंस हैं सिखिज्म में एक बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है उनकी जो गुरुमुखी लिपि है जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब लिखा जाता है और मॉडर्न पंजाबी लिखी पढ़ी जाती है ये उनकी देन है और भी उनकी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन हैं एंड सिंगिंग सिख धर्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये ट्रेडिशन गुरु नानक साहब ने ही शुरू किया था और आज तक ये इबादत का मेन तरीका सिख धर्म में गाना और सुनना ही है गुरु अंगद साहब के टाइम तक जो गाने वाले थे वो प्रोफेशनल्स होते थे रबाबी फैमिलीज भाई मर्दाना के डिसेंडेंट्स तो गुरु अंगद साहब ने सिख जगत को एक किस्म की एक ब्लेसिंग दी और उनके टाइम के बाद जो आम सिख थे उन्होंने भी गुरबानी को गाना शुरू किया गुरु अमरदास उनके सेवक थे वो काफी बिर्द अवस्था में बड़ी उम्र में उनके पास आए और उन्होंने ऐसी सेवा की गुरु अंगद की कि जैसे गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद को चुना था वैसे ही गुरु अंगद ने गुरु अमरदास को चुना यहाँ पे भी बेटे बहुत नाराज हो गए कि गुरु अमरदास को अमरू अमरू कहते थे ये तो हमारा नौकर अमरू है ये कहाँ से गुरु बन गया और ये क्यों गुरु बनेगा सो so, पर गुरु अंगद को नज़र आया कि उनमें सेवा भावना कितनी है और उन्होंने फिर गुरु अमरदास को तीसरा गुरु करार किया ऐसे ही गुरु सो so गुरु अमरदास के भी कई यूनिक कंट्रीब्यूशंस हैं जैसे गुरु नानक साहब ने जो समाज में उनको जो चीज़ें नापसंद थी एड्रेस करने की कोशिश की इसी तरह गुरु अमरदास ने भी आ, कई चीज़ें सिख पंथ को और सोसाइटी को दी आ, अब आपको पता ही है कि उस टाइम पे अगर कोई विधवा हो जाती थी औरत तो उसका बहुत बहुत उसकी दुर्गति होती थी कई वजह से तो गुरु अमरदास ने विडोरी मैरिज की बात शुरू की आ, सती का बिल्कुल उन्होंने खंडन किया जो मुग़ल राज था वो 22 प्रोविंसेस में बांटा हुआ था तो गुरु अमरदास ने 22 प्रोविंसेस में अपने मंजी कहते थे मिशनरीज एक किस्म में भेजे उनमें से कुछ मर्द थे और कुछ औरतें भी थीं सो उन्होंने जो बात गुरु नानक साहब ने बयान की थी कि औरत और मर्द की पूरी बराबरी है उसको और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए कि जो सिख फेथ के मिशनरीज थे उनमें मर्द भी चुने और औरतें भी चुनी फिर उनके बाद अगले गुरु गुरु बने गुरु रामदास सो गुरु रामदास उनके सन इन लॉ थे तो उनकी भी वही कहानी थी उन्होंने बहुत सेवा की गुरु अमरदास के अपने बेटे फिर से नाराज़ हो गए कि भाई हमको गुरगद्दी नहीं सौंपी जा रही भाई जेठा कहते थे उनको तब अपने घर में बड़े थे तो बड़े लड़के को जेठा कहा जाता था एक मिनट सो सॉरी हाँ हाँ। छोटा सा पॉज लेना और थोड़ा सा मुगल हिस्ट्री के बारे में भी बात करना चाहूंगा यहाँ आपने कहा जहांगीर ने आ, अत्याचार करे हाँ पांचवें गुरु पे ओके okay. चौथे गुरु साहब का कोई खास इंटरेक्शन नहीं हुआ था मुगलों के साथ ओके गुरु रामदास का ओके बट सिखिज्म और मुगल्स के बीच एक अच्छी रिलेशनशिप थी अच्छी रिलेशनशिप अकबर के टाइम पे डेफिनेटली थी अकबर ने लैंड ग्रांट भी दिया गुरु अमरदास को गुरु अमरदास ने पहले मना कर दिया कि हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है लेकिन कहते हैं कि अकबर ने इंसिस्ट किया और जो अमृतसर का एरिया है जहाँ पे श्री हरमंदर साहब वगैरह बना है वो एज अ लैंड ग्रांट दिया गया था उस टाइम पर सो बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे ओके okay. ओके uh, okay. अब अब बताइए हाँ. सो गुरु रामदास चौथे गुरु बने और गुरु रामदास गुरु अमरदास की बेटी बीबी भानी के साथ उनका विवाह हुआ था तो चौथे गुरु गुरु रामदास बने और गुरु रामदास की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि उन्होंने एक नया शहर बसाया रामदासपुर जिसको आज हम अमृतसर कहते हैं और कहते हैं कि जो वहाँ पे जो सरोवर बनने की सरोवर बनने का काम भी उन्होंने उसकी शुरुआत की गुरु रामदास की और भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन हैं जो थोड़ी सी टेक्निकल हैं बट लेट मी <laughs> टॉक अबाउट इट uh, संगीत uh, uh, सिख धर्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है तो उन्होंने संगीतक तौर पे भी उनकी कुछ इनोवेशंस थी उन्होंने ऐसी चीज़ें बख्शी जो पहले गुरु साहिबान ने नहीं हमको दी थी एक गाने का ख़ास तरीक़ा एक पोइट्री का ख़ास तरीक़ा उनकी बानी में आता है सो so ये सब गुरु रामदास की बहुत यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशनस हैं उनके बाद हुए गुरु अर्जुन उनके बेटे उनके सबसे छोटे बेटे थे और तीन बेटों में से गुरु रामदास ने फैसला किया उन फिर से सेवा भावना देख के कि गुरु अर्जुन ही सक्सेसर होंगे उनके और फैमिली में प्रॉब्लम भी बहुत हुई क्योंकि बड़े भाई भी बहुत काबिल थे वो चाहते थे मेरे को गुरुगद्दी मिले सो गुरु साहब के पहले साल कुछ इस राइवलरी में निकले जब उनका बड़ा भाई गुरुगद्दी लेना चाहता था पर उनको ही गुरुगद्दी सौंपी गई गुरु अर्जुन ने बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस कायम किए सिखिज्म में एक तो उन्होंने श्री हरिमंदर साहब बनाया गोल्डन टेंपल जिसे हम पॉपुलरली कहते हैं सो so, उसकी स्थापना उन्होंने की दूसरी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन गुरु अर्जन साहब की ये थी गुरु नानक साहब के टाइम से ही शुरू हो गई थी ये परंपरा कि गुरु नानक साहब ने जो खुद बानी उचारी अपनी लाइफ में उन्होंने सारी संग्रह करके उसको लिखित में लेके आए और इससे पहले कई पीर पैगंबर जो उनको मिले जिन जिनका मैसेज उनके मैसेज के साथ बहुत मेल खाता था उनकी बाणी भी उन्होंने कलेक्ट करनी शुरू कर दी उदाहरण के तौर पे आ, शेख फरीद जो उनसे कई सौ साल पहले हुए हैं उनकी बाणी उन्होंने अपने पास रखी और फिर उन्होंने अपनी जो बानी तब तक इकट्ठी हुई थी वो उन्होंने गुरु अंगद साहब को दे दी गुरु अंगद साहब ने भी बानी उचारी सो उन्होंने अपनी ऐड करके गुरु अमरदास को दे दी एंड सो ऑन सो गुरु अर्जन साहब के पास पिछले अपने से पहले चार गुरुओं की बानी थी और भी पीर पैगम्बरों की बानी थी तो उन्होंने सोचा कि एक ग्रंथ तैयार होना चाहिए उसने उन्होंने अपनी खुद की बाणी दर्ज की जो कि बहुत सारी थी उन्होंने बहुत बाणी उचारी फिर उन्होंने ये देखा कि जो और हिंदू भगत थे मुसलमान पीर थे जिनका मैसेज सिख गुरु साहिबान के साथ मिलता था उन सब की बाी संग्रह करके उन्होंने एक ग्रंथ बनाया जो हमारा स्क्रिप्चर बना गुरु ग्रंथ साहिब ये तब तक कभी नहीं हुआ था क्योंकि अपने मज़हब की कदर तो सभी करते हैं लेकिन किसी और मज़हब की इतनी कदर करना कि उनके पीर पैगंबरों की उचारी वाणी को ला के अपनी वाणी के साथ मिला के एक ग्रंथ तैयार करना ये गुरु अर्जन साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी और फिर थोड़ा सा टेक्निकल अगर हम हो जाएं, तो उस टाइम पे असल भी चल रही थी उनका अपना भाई कहता था कि असली गुरु तो मैं हूँ तो उन्होंने ये भी ज़रूरी सोचा समझा कि जो मैं स्क्रिप्चर बना रहा हूँ यह टैंपर प्रूफ होना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए कि कल कोई आके इसमें कुछ ऐड कर दे कुछ सब्ट्रैक्ट कर दे तो बहुत ही इनोवेटिव एक नंबरिंग स्कीम उन्होंने दर्ज की डिफ़ाइन uh, की जिसके मुताबिक गुरु ग्रंथ साहेब तैयार किया गया सो उससे दो चीज़ें हुई एक तो सिख जगत को एक स्क्रिप्चर मिल गया जिसमें जो पिछले गुरुओं का ज्ञान था और भी पीर पैगम्बरों का ज्ञान था उसमें दर्ज था और दूसरा ये बिल्कुल टैंपर प्रूफ था आगे जाके अगर कोई कंट्रोवर्सी होती तो ये जो ग्रंथ था उसमें छेड़खानी करनी बहुत मुश्किल थी बिकॉज ऑफ द यूनिक दूसरा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था गुरु अर्जुन साहब का तीसरा कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा था और वो थी अपनी खुद की शहादत जब जहांगीर ने इनको गिरफ्तार कराया तो ऐलान किया गया कि एक बड़ा जुर्माना अगर भरे तो इनको रिहा कर दिया जाएगा तब तो बहुत सिख थे बहुत मानता थी गुरु अर्जन साहब की बहुत चढ़ावा भी आता था लेकिन गुरु अर्जन साहब ने कहा कि जो मेरे को चढ़ावा आता है संगत से ये मेरा नहीं है ये पंथ का है ये धर्म का है ये लंगर के लिए है ये सेवा के लिए है इसमें से एक पैसा भी नहीं भरा जाएगा जुर्माने में अब गुरु अर्जन साहब जो उनको तसीहे दिए जा रहे थे जो टॉर्चर किया जा रहा था उसको कई किस्मों से तरीक़ों से रोक सकते थे क्योंकि उनकी फॉलोइंग बहुत थी मियाँ मीर जो लाहौर के बहुत बड़े पीर थे जिनकी जहांगीर बहुत कदर करता था वो गुरु अर्जन साहब के फॉलोअर थे वो बोलते तो जहांगीर बिल्कुल बंद कर देता लेकिन गुरु साहब ने अपनी शहादत दी शहादत इसलिए दी क्योंकि उन्होंने धर्म में जो गुरु नानक साहब ने सिद्धांत बताया था कि जहाँ पे भी ऑप्रेशन देखो उसको तुमने अपोज़ करना है उस सिद्धांत को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी उस टाइम के बाद सिखों के अंदर ये कॉन्शियसनेस और भी सॉलिड दृढ़ हो गई जहां पर भी हम अत्याचार देखते हैं देखो हमारे गुरु साहब ने तो अपनी जान तक दे दी लेकिन अपने प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ा तो हम कैसे पीछे हट सकते हैं सो so, ये जो एस्पेक्ट फिर से दिया गुरु नानक साहब ने था लेकिन गुरु अर्जुन साहब ने अपने खून के साथ इसको और इसको दृढ़ बनाया छवें गुरु उनके बेटे थे गुरु हरगोबिंद उनकी छोटी उम्र थी जब गुरु साहब शहीद हुए पांचवें गुरु शहीद हुए थी या? इसके पहले भी ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है फिजिकल वॉरियर कल्चर सिक्स गुरु से ही शुरू हुआ उससे पहले किसी गुरु साहब ने तलवार नहीं चलाई थी लेकिन अगर आप मुझे पूछें तो गुरु नानक साहब की गुरबानी की बाबरबानी और गुरु हरगोबिंद की तलवार में कोई फर्क नहीं है वन इज़ जस्ट अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द अदर सो हम ये कह सकते हैं कि जो आ, मार्शल मोड़ जैसे कई स्कॉलर्स कहते हैं कि सिक्खी ने एक मार्शल मोड़ लिया एक दुनियावी तौर पे हम कह सकते हैं ये लेकिन मेरे हिसाब से ये मोड़ नहीं था ये सिर्फ वही सिद्धांत जो चला आ रहा था उसका एक एक्सप्रेशन था uh, और ये ट्रेडिशनल सिख व्यू है हम गुरु नानक साहब और उनके बाद में जितने भी गुरु आए हैं उनमें हम इतना भी फ़र्क नहीं मानते हैं यू नो वी कंसिडर दम टू बी वन एंड द सेम ओके बट यस बीरी पीरी की तलवारें गुरु uh, हरगोबिंद साहब ने ही पहनी उन्होंने भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशनस की uh, अब आप अगर दरबार साहब श्री हरिमंदर साहब गए हैं तो आपने देखा होगा कि गोल्डन टेम्पल के सामने एक और इमारत है जिसको अकाल तख्त कहते हैं सो so, अकाल तख्त भी गुरु अर्जन गुरु हरगोबिंद साहब ने ही स्थापित किया था पहले उसको अकाल बुंगा कहते थे और जैसे श्री हरिमंदर साहब एक किस्म से स्पिरिचुअल सीट है वैसे ही अकाल तख्त एक टेम्परल सीट हम उसको कह सकते हैं टेम्परल पावर दुनियावी पावर का चिन्ह गुरु का तो वहाँ पे उनका दरबार लगता था वहाँ पे जैसे राजों के दरबार लगते हैं वैसे ही उनका वहाँ पे दरबार लगता था वहाँ फैसले लिए जाते थे सो अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोबिंद साहब ने की अच्छा जहांगीर का टाइम निकल गया शाहजहां बादशाह बन गया तो उस टाइम पे फिर मुगलों और सिखों की लड़ाइयाँ शुरू हुई सो मल्टीपल बैटल्स फॉट गुरु हरगोबिंद साहब के टाइम पे भी क्यों कई वजह थे एक वजह तो पहली वजह जो पहली लड़ाई हुई थी हिस्ट्री हमको ये बताती है एक पुरानी पुस्तक है गुरबिलास पातशाही छवी ब्रजभाषा में है कोई अब के टाइम में कोई उसको पढ़ता नहीं है तो उसमें एक बहुत दिलचस्प अकाउंट लिखा हुआ है कि कैसे पहली लड़ाई हुई तो शाहजहां बादशाह लाहौर आया हुआ था गुरु हरगोबिंद अमृतसर में थे बीच में जंगल है तो एक साइड से ना शाहजहां निकला शिकार पे तो शाहजहां के पास एक सफ़ेद बाज था जो उसे शायद ईरान के शाह ने तोहफे में दिया था बहुत कीमती बाज था सो so, एक साइड से शाहजहां निकला है शिकार के लिए दूसरे साइड से सिख निकले हैं शिकार के लिए सिख के पास सिखों के पास भी अपने बाज थे तो जो शाहजहाँ का बाज था वो जैसे यू you नो know, राजे महाराजे के जानवर भी बहुत पैम्पर्ड होते हैं बहुत पैम्पर्ड था उसको खिलाया पिलाया जाता था खूब तो उनका बाज खा पी के बैठा था उसे शिकार में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पे तो एक मुर्गाबी निकली तो बाज छोड़ा गया तो बाज ने कुछ खास हमला नहीं किया पर सिखों का भी बाज छोड़ा गया वो बाज भूखा था वो मुर्गाबी के पीछे पड़ गया तो ये सफ़ेद बाज भी साथ में लग गया और ये दूसरा बाज मुर्गाबी को नीचे लेके आया सिखों के साइड पे तो ये सफ़ेद बाज भी साथ में आ गया और वहाँ पे सिखों ने उसको कैप्चर कर लिया अभी जंगल में बाज आया बहुत सुंदर है तो उन्होंने कहा ये तो हमें मिला हम रखेंगे तो बादशाह ने बहुत कोशिश की कि मेरा बाज मिल जाए मिला नहीं तो फ्रस्ट्रेट हो के वापस चला गया लाहौर और अपने करिंदों को बोला कि जाके बाज ढूंढ के लाओ तो करिंदे आए बाज ढूंढने तो उनको सिख मिले तो कहते ये तो बादशाह का बाज है हमको दो सिख कहते हैं कि ये तो अपने आप हमारे पास आया हमने तो देना नहीं है वहाँ से कॉन्फ्रेंट्रेशन शुरू हुई और वहाँ से फिर जब सिखों ने जो मीर शिकार था हंट्समैन बादशाह का उसको गालियाँ वालियाँ दे के भगा दिया वहाँ से तो वो भागा भागा गया लाहौर उसे जाके शिकायत लगाई कि देखो ये सिख हैं इनका जो पीर है ये राजा बना फिरता है इन्होंने फौज भी इकट्ठी कर ली है तो कहते हैं कि तब शाहजहां ने मुगलस खान या मुखलस ख़ान अपने एक जर्नैल को फौज दे भेजा कि तुम जाके गुरु हरगोबिंद को पकड़ के हमारे पास लेके आओ तो तब फिर पहली जंग हुई सिखों और आ, मुगलों के बीच में ओके okay. अगर आप मुगल हिस्ट्री को थोड़ा सा स्कैन करें हमें पता चलता है कि वो भी एक वॉरियर क्लास था बिल्कुल और वो वॉरलॉर्ड थे बहुत आ, अच्छे थे बैटल फील्ड में तो ऑब्वियस सवाल ये कि सिखों ने वॉर कहा से सीखी फिर अगर आप आग एक्चुअली सिख एम्पायर को थोड़ा सा स्कैन करें वो आउट एंड आउट वॉरियर क्लास था हाँ पर आप ये इस बात पे गौर कीजिए ना कि मुगल्स वॉरियर्स थे पर जो मुग़ल्स की फौज में लड़ते थे वो सारे उजबेकिस्तान से थोड़ी आए थे बाबर के साथ उस टाइम का ये तौर तरीका था जो एक सबसे ताकतवर राजा चीफ जो भी होता था उसके पीछे सब लग जाते थे ओके okay. कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि राजा हिंदू है राजा मुसलमान है अगर वो ताकतवर है तो सेल्फ इंटरेस्ट यूज टू गाइड एवरीवन कि भाई इसके साथ हम जाएंगे ज्यादा लड़ाई होगी लड़ाई जीतेंगे लड़ाई का इंसेंटिव क्या होता था लूटना mm. उस टाइम पे कोई शिवलरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी ये नहीं था कि हमने कोई अपना नाम कमाना है मेन मोटिवेशन होता था कि जाके लूटना है बिकॉज दैट वॉज द वे ऑफ लाइफ इन दोज डेज सो ऐसे ही जो गुरु हरगोबिंद का जो कोर फौज थी पहले वो उनके जो सिख क्योंकि गुरु साहब गुरु अर्जन साहब ने जाते जाते ये इंस्ट्रक्शंस छोड़ी थी अपने बेटे के लिए कि अब टाइम आ गया है आप तलवार पहनोगे आप एक फ़ौज तैयार करोगे सो गुरु हरगोबिंद ने शुरू कर दी था शुरू कर दी थी बात सिखों को इंस्ट्रक्शंस मिल गई थी कि अब जो आएगा वो भेंट के तौर पे शस्त्र लेके आए घोड़े लेके आए सो so, ट्रेनिंग शुरू हो गई थी सो so, एक न्यूक्लियस बन गया था और एक बार जब ये शुरू हुआ जब गुरु हरगोबिंद की रेपुटेशन बढ़नी शुरू हुई क्योंकि पर्सनली बहुत वो लंबा उनका कद था ही वॉज़ अ फियरलेस वॉरियर हिमसेल्फ बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपने साइड पे अट्रैक्ट किया और वो सारे सिख नहीं थे सारे हिंदू नहीं थे उसमें पठान भी थे उनका जो सबसे फेमस वॉरियर था जो बागी बनके उनकी साइड छोड़ के दगाबाज बन गया बाद में उसका नाम था पेंदे खान और गुरु साहब ने उसको चौदह पंद्रह साल की उम्र से एक किस्म से अडॉप्ट किया था और उसको अच्छी खुराक दे के ट्रेनिंग दे के उसको बहुत बड़ा वॉरियर बनाया था सो उनके रैंक्स में भी जो आते थे सेवा करने उनमें से मुसलमान भी होते थे हिंदू भी होते थे सिख भी होते थे दोस्तों टी आर एस क्लिप हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को टी आर एस हिंदी बहुत जल्द